हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मोरक्को को अक्सर उत्तरी अफ्रीका के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है, जो संस्कृति के इतिहास और बेमिसाल वास्तुकला से समृद्ध है। यह देश एक शाही परिवार का घर होने की वजह से बहुत सारी वैश्विक रुचि भी पैदा करता है। शाही परिवार राजा मोहम्मद, उनकी पत्नी लाला सलमा और उनके दो बच्चों क्राउन प्रिंस मौले हसन और राजकुमारी लाला खदीजा से बना है। एक दिन यंग प्रिंस मौले मोरक्को के अगले राजा के रूप में अपने पिता के उत्तराधिकारी होंगे, जो शाही परिवार के प्रोटोकॉल के लिए नया नहीं है, जिनकी एस्टिमेटेड फैमिली नेटवर्थ लगभग 5.7 बिलियन डॉलर और राजकुमार मौले की कीमत 1.5 बिलियन डॉलर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये रॉयल्स कई अन्य ग्लोबल रॉयल्स की तरह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मोरक्कन राजशाही अंग्रेजों के बाद दूसरा सबसे पुराना राजा है। मौलेन दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजकुमारों में से एक है, जो कई महत्वपूर्ण ग्लोबल इवेंट्स में उनकी उपस्थिति होने के कारण है। 8 मई 2003 को हसन इब्राहिम मोहम्मद अल अलुई का जन्म हुआ था। उन्हें हम राजकुमार मौले के नाम से जानते हैं। उनके जन्म को 21 तोपों की सलामी के साथ मनाया गया था, जो कि हम में से ज्यादातर लोग एक बच्चे के रूप में सपना देखते हैं। आमतौर पर मोरक्को की संस्कृति में सम्मान की निशानी के रूप में अपने से बड़े किसी व्यक्ति का हाथ चूमना एक प्रथा है, लेकिन मौले अक्सर अपने पिता के साथ दुनिया भर के प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान बड़ों को अपना हाथ चूमने से मना कर देते हैं। यह कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, बल्कि प्रिंस मौले का अपने से बड़ों के प्रति सम्मान और विनम्रता को दर्शाता है। मौले 2017 में सुर्खियों में आए थे, जब वह फ्रांस में आयोजित एक प्लैनेट समिट ग्रह शिखर सम्मेलन में सबसे कम उम्र के पार्टिसिपेंट थे। शिखर सम्मेलन के मॉडरेटर ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे युवा मौले की उपस्थिति युवाओं के लिए प्लैनेट अर्थ के भविष्य की रक्षा करने में एंगेज होने के लिए एक मजबूत संकेत था। प्रिंस मौले दुनिया के सबसे महंगे वीआईपी जेट में से एक गल्फ स्ट्रीम G650 जेट के मालिक हैं। 67 मिलियन डॉलर का पावर प्लेन बिना किसी परेशानी के 14,000 किलोमीटर की उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 8 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य बैठ सकते हैं। प्रिंस एयरक्राफ्ट का शौक रखते हैं। मौले मोरक्कन रॉयल फैमिली में एविएशन की पढ़ाई करने वाले सबसे पहले शख्स हैं। प्रिंस मौले 4 भाषाएं स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच और अरबी आसानी से बोल लेते हैं। अक्सर जलवायु परिवर्तन और शरणार्थियों के विस्थापन जैसे विश्व मुद्दों के लिए चिंता जताना और उनके लिए निरंतर काम करना, इन विचारधाराओं ने राजकुमार मौले को न केवल दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में वे एक अच्छे लीडर के रूप में समाज को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकेंगे।